तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर से अनरेस्ट की स्थिति हो गई है। दो बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक तो इमरान खान जो कि गिरफ्तार हो गए हैं, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में अब आम चुनाव टाल दिए गए हैं और 6 महीने से लेकर साल भर तक की देरी अगले साल हो सकती है, यानी कि जो चुनाव है वो टाले गए हैं। और आपको अब बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम। देखिए, लाहौर में इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब प्रदर्शन भी उसके बाद इस गिरफ्तारी के खिलाफ शुरू हो गए हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को दोषी पाया गया, उसके बाद ये कार्रवाई यानी कि गिरफ्तारी हुई है। इस्लामाबाद कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, ये बड़ा फैसला दिया। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी इमरान खान के खिलाफ लगाया गया है इस मामले में। 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इमरान खान 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसके लिए अयोग्य हैं। और करप्शन के केस में ये सजा सुनाई गई है इमरान खान के लिए, ये सीधे तौर पर मुश्किलें बढ़ाने वाला। चुनाव आयोग से जानकारी छिपाई थी इमरान खान पर, ये भी आरोप है। जज हुमायूं दिलावर ने इमरान को सजा सुनाई है और ये बड़ा डेवलपमेंट था। किस तरीके से आज वहां पर हो रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब आपको ये रूट मैप दिखाते हैं, क्योंकि इमरान खान को देखिए कहां से कहां। लाहौर शाम 4 बजे गिरफ्तारी होती है इमरान खान की, उसके बाद शाम 5:50 तक भेड़ा वहां से, क्योंकि रोड के जरिए यानी कि जिस तरीके से सड़क मार्ग के जरिए ले जाया जा रहा है, और इस्लामाबाद में सीक्रेट सेल में रखा जाएगा इमरान खान को खुफिया जगह पर, यानी कि उसकी जानकारी कोई किसी को भी नहीं होगी। तो ये इमरान खान का रूट है, सड़क मार्ग से किस तरीके से लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है और सीक्रेट सेल में इमरान खान को खुफिया तरीके से रखा जाएगा। और करीब करीब 400 किलोमीटर का ये सफर तय करने के बाद ही इमरान खान को उस खुफिया जगह पर ले जाया जा रहा है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।